डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, जेड टी और जी थ्री के हवाले से ये मेरा मॉक टेस्ट है, ठीक है। और इसमें हम एग्रीकल्चर पार्ट के ऊपर जो मॉक टेस्ट है मैं करवाऊंगा, ठीक है। इसमें 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके जो बकिया पार्ट्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जॉब रिलेटेड पार्ट है, उसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ आपको मॉक टेस्ट के लिए बनाऊँगा, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब इनको अटैम्प्ट करने का तरीका सुन लें, ठीक है ना। अब देखो इस तरह है कि मैं आपको जो ना क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपने क्या करना है, अपना एक पेज निकालना है, ठीक है ना। ब्लैंक पेज आपने उसको निकालना है। इसके ऊपर जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपने इसके ऊपर क्या करना है, आंसर लिखने हैं, ठीक है। ब्लैंक पेज के ऊपर या कई कापी के ऊपर, ठीक है। फिर आप जो सारे 20 मार्क्स की मैं करवाऊँगा, ठीक है, जो आप सारे भी आप इसके आंसर लिख लेना, तो एंड में मैं क्या करूँगा, इसके आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और फिर आप क्या करें, उसको अपने जो आपने आंसर नोट किए हैं उसके साथ आप मैच करें, और फिर आप देखें कि मेरे मार्क्स 20 में से कितने बनते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं। राइस है, टोबैको है, ऑनियन है, या नन ऑफ दीज है, ठीक है। सवाल है डियर स्टूडेंट की सब सेक्टर ऑफ लाइफ स्टॉक इंक्लूड्स, पहला ऑप्शन है पोल्ट्री, सेकेंड ऑप्शन है फिशिंग, थर्ड ऑप्शन है काओ, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट सवाल ये डियर स्टूडेंट के जेड टी बी एल बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है, जनवरी 1961, ऑप्शन नंबर सेकेंड जनवरी 1960, ऑप्शन नंबर सी फेबर 1960, और ऑप्शन नंबर डी फेबररी 1961। नेक्स्ट एमसीक्यू ये है कि पिस्ची कल्चर रिफर्स टू आर्ट ऑफ रियरिंग फिश, आर्ट ऑफ रियरिंग बीज, आर्ट ऑफ रियरिंग बर्ड्स, या नन ऑफ दीज। इनके जो है ना ऑप्शन नोट करते रहें, ठीक है ना, अपने नोटबुक के ऊपर, फिर लास्ट में आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। फिर आप उनके साथ मैच कीजिएगा और अपने मार्क कैलकुलेट कीजिएगा। सेक्टर डैश सेक्टर इज़ द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ, ऑप्शन नंबर ए क्रॉप्स, ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी लाइफ स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट है ओल्ड नेम ऑफ जेड टी बी एल बैंक इज, ठीक है, ज़रई डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन सी स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू लेबर फोर्स कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर इज, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 37.2%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है ओरिजा सेविटा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ, पहला ऑप्शन है राइस, ऑप्शन नंबर बी कॉटन, ऑप्शन नंबर सी व्हीट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। अच्छा डी, इसमें एक मैं और चीज़ बता दूं कि मैंने बोटानिकल नेम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। इसमें वीडियो नंबर फोर्थ है या फिफ्थ है, मैं भी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो देख लेना। उसमें से मैंने बहुत सारे बोटानिकल नेम्स का ऊपर स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है, उसके ऊपर मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट के अंदर आपको वो मिल जाएगी, वीडियो फिफ्थ है या फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए व्हीट, ऑप्शन नंबर बी शुगर, ऑप्शन नंबर सी टोबैको, ऑप्शन नंबर डी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन इज सीरियल क्रॉप, फाइबर, लेग्यूम, या नन ऑफ दिस। एमसीक्यूज है बोटेनिकल नेम ऑफ वीट इज ओरिजा सेविटा, हॉडियम वल्गेर, सोलानम ट्यूबरोसम, और ऑप्शन नंबर डी है
टिटिकम एस्टिवम, ठीक है। तो ये उनके बोटैनिकल नेम जो है ना वीट का आपने बताना है इनमें से, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिर आप क्या करें उसको नोट डाउन करें, आखिर में मैं आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उनके साथ मैच कीजिएगा। मैं यहाँ पर रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप जो है ना लेक्चरर कॉमर्स हो गया, आप सीनियर ऑडिटर हो गया, अकाउंट ऑफिसर हो गया या ऑडिट ऑफिसर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो गया या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स हो गया, तो चाहे वो PPSC के थ्रू आती हो, NTS के थ्रू आती हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई जॉब्स आती हो इनसे रिलेटेड, तो इसकी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बेसिकली इनकी क्लासेस में उनको ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना बेसिकली डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे पढ़ाने का तरीका कैसे है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो लेक्चर आप ज़रूर जाना वो देख लीजिएगा, मेरे डेमो लेक्चर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है डियर सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफर्ड बाई ZTVL? कार लोन्स ऑप्शन ए, होम लोन्स ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर लोन्स ऑप्शन सी, डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ZTVL? टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ऑप्शन नंबर सी टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द टोटल एरिया कल्टिवेटेड इन पाकिस्तान? ऑप्शन नंबर ए 23 मिलियन एकड़, ऑप्शन नंबर बी 25 मिलियन एकड़, ऑप्शन नंबर सी 22.1 मिलियन हेक्टर, ऑप्शन नंबर डी 30 मिलियन हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZTBL बैंक हैज ब्रांचेस इन द कंट्री? 800, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 501, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZTBL बैंक प्रोवाइड्स अफोर्डेबल एंड एग्रीकल्चर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज टू 68% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसमें से ऑप्शन गिवन है रूरल पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी अर्बन पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी शुगर केन, ऑप्शन सी टोबैको, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन, विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड टू कंट्रोल pH लेवल? ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव ऑप्शंस। क्वेश्चन, मोस्ट एग्रीकल्चरल प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान इज? मोस्ट एग्रीकल्चरल प्रोवेंस, ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बलूचिस्तान, ऑप्शन डी KPK। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिकल्चर SERICULTURE, सेरिकल्चर रिफर्स टू रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग ऑफ बीज, रियर ऑप्शन सी रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ZTBL ऑफर्स विच टाइप ऑफ अकाउंट्स फॉर रिसीविंग डिपॉजिट्स? करंट अकाउंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेविंग्स अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव,
ऑप्शन ई नन ऑफ दी एबव। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट कि मैंने ये एम सी क्यूज लिखते हुए मैंने उनकी नंबरिंग नहीं की हुई है ना, तो अगर मैं नंबरिंग देता तो नंबरिंग के आगे मैं लास्ट में आपको जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो दे देता, तो आप ये क्या करते अपने जो अपनी करेक्ट ऑप्शन लिखी हुई है तो उनके साथ क्या करते वो मैच करते हैं, लेकिन मैं इनकी नंबरिंग नहीं कर सकता, मैं बोल गया ठीक है। अब मैंने उनको यहाँ से ऐसे लिख दिया है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा ठीक है, तो मैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ ठीक है ना। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ है सबसे पहले वो इसका सी ऑप्शन किया था वो करेक्ट है ठीक है ना। और जो ओल्ड नेम ऑफ ZTBL है वो क्या है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, यानी आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। लेबर फोर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो 37.2% है ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको जाना वो जो क्वेश्चन देते हुए उसकी नंबरिंग भी साथ लिखूंगी, तो आपको लास्ट में आपको सही आंसर दिया जाएगा, तो फिर आप उनके साथ मैच कर सकते हैं ठीक है। इस बार मैं बोल गया हूँ तो रियली सॉरी फॉर डैट। ओरिजा सेविटा था वो बेड वोटरकन नेम किसका था, तो उसका ए ऑप्शन क्या था वो राइस का था ठीक है। फिर जो मेन एक्सपोर्ट जो कमोडिटी है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वो डी ए ऑप्शन है। अच्छा कॉटन क्या है, बेसिकली कॉटन क्या है वो आपका बी ऑप्शन है, फाइबर है ठीक है। अच्छा वीट का जो बोटैनिकल नेम है वो डी ऑप्शन था, टेटिकम एस्टिवम ठीक है, ये डी ऑप्शन क्या था इसका करेक्ट ऑप्शन है। और जो मेन प्रोडक्ट्स जो ऑफर्ड बाय ZTBL वो बेसिकली क्या है वो एग्रीकल्चर जो लोन्स है ठीक है, ये इनका करेक्ट ऑप्शन था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। फिर मेन फंक्शन ऑफ ZTBL कौन है, तो इसमें से जाना आपका जो सी ऑप्शन क्या था वो करेक्ट था ठीक है ना, टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स। फिर टोटल जो कल्टिवेटेड एरिया इन पाकिस्तान है जो करेक्ट ऑप्शन किया था वो ऑप्शन नंबर सी था, 22.1 मिलियन हेक्टर था ठीक है। फिर एग्रीकल्चर बैंक की ब्रांचेस कितने हैं पूरे पाकिस्तान में, तो वो क्या है 501 है, बी ऑप्शन क्या था वो आपका करेक्ट है ठीक है। फिर जो एग्रीकल्चर जो बैंक है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विस 268% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो उसमें से कौन सा है, रूरल पाकिस्तान है, अर्बन था, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या था, रूरल पाकिस्तान था ठीक है ना। तो ये इनका बेसिकली क्या है करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। कैसे था कि रूलर जो रबी जो क्रॉप था वो कौन सा था डेयर स्टूडेंट्स, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए था वो कॉटन था, वो आपका करेक्ट ऑप्शन था। सॉरी डेयर स्टूडेंट रबी को सॉरी कॉटन क्रॉप नहीं है, वो आपका सी जो ऑप्शन है टोबैको ठीक है, रबी क्रॉप ये सी ऑप्शन क्या था वो आपका करेक्ट ऑप्शन था, वो क्या है टोबैको है ठीक है। ये था जो फर्टिलाइजर टू यूज टू कंट्रोल पीएच है, तो वो इसमें से ऑप्शन नंबर ए क्या था वो करेक्ट था ठीक है ना, अमोनियम सल्फेट था। मोस्ट एग्रीकल्चर प्रोवेंस इन पाकिस्तान को होता वो आपका पंजाब है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। सेरिकल्चर रिफर्स टू रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म किया था वो ऑप्शन नंबर ए क्या था वो करेक्ट ऑप्शन था। और फिर क्या है जो ZTBL कौन से अकाउंट से ऑफर करता है, तो ये इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या था वो डी क्या था वो ऑप्शन था ठीक है। इसमें सारे अकाउंट्स क्या है ये ऑफर करते हैं डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या था वो करेक्ट था। फिर डेट सुना आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैश क्रॉप, इसमें से बेसिकली कौन सा था, तो डेट इसमें से डेट क्या है जो ए ऑप्शन क्या था राइस जो है ना वो बेसिकली क्या था वो इसका ए ऑप्शन था ठीक है, करेक्ट था। फिर सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो लाइफ स्टॉक है, पोल्ट्री है, फिशिंग है, काउ है, इसका क्या था डी बेसिकली क्या है वो ऑप्शन करेक्ट था ठीक है ना, बोट पोल्ट्री और काउ था वो क्या है लाइफ स्टॉक के सब सेक्टर्स थे ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। ZTBL बैंक वॉज स्टेब्लिश इन ठीक है, इसमें से आपका जो लास्ट ऑप्शन था डी था, फेबररी 1961 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिशिकल्चर रिफर्स टू ठीक है ना, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए था, आर्ट ऑफ रियरिंग जो फिश है उसको बेसिकली पिशी कल्चर कहा जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसकी वीडियो में इतना ही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह जो बाकी जो पार्ट्स है, इंग्लिश पार्ट है, जॉब रिलेटेड पार्ट है, जीके और इंग्लिश पार्ट है, इसके ऊपर भी मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगा। इसके जो लिंक्स है डेयर स्टूडेंट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बकिया जो मॉक टेस्ट है उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, मैं एक अलग प्लेलिस्ट इसके ऊपर बना दूंगा ठीक है, तो आप इसे अपने जनरल नॉलेज को आप टेस्ट कर सकते हैं ठीक है। डेयर स्टूडेंट दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।